को शुरू किए हमें करीब साल भर हो गया। हमने दो गाय और तीन भैंसे शुरू किया था। धीरे धीरे हमने इसको बढ़ाया। अब हमारे पास 11 भैंस और 3 गाय। हम करीबन 1.5 क्विंटल दूध रोज़ सप्लाई करते हैं, बिल्कुल प्योर दूध यहाँ से निकाल के और स्वच्छतापूर्ण उसको डिब्बे में पैक करके और घरों पे जाके सबको सप्लाई करने जाते हैं। प्रॉफिट हमको होता है, उस प्रॉफिट को हम इसको आगे ग्रोथ करने में लगा देते हैं, आगे बढ़ाने में लगा देते हैं। जैसे हमारे पास 1 लाख रुपए बचा, हम एक भैंस और ले आए। फिर धीरे धीरे जैसे हमने भैंसों के पाड़ी हुई, गायों के बछड़ी हुई, उनका अच्छा पालन पोषण करके उनको भैंस बनाते हैं। इनमें सीमेंस क्रॉस करा के इनकी नस्ल को भी चेंज करते हैं, जब बछड़े बछड़ी चेंज हो जाए, नस्ल चेंज हो जाए। इस तरह इसको अब आगे जब ये धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा, करीबन हमारे पास 50 भैंस हो जाएगी, तब हम यहाँ पे प्रोसेसिंग प्लांट भी शुरुआत करेंगे, जिसमें दूध की जो है क्रीम निकालना, पनीर बनाना, मावा बनाना, इस तरह की जो है दूध से संबंधित प्रोडक्ट बनाने का काम भी फिर शुरू करेंगे। हमारे इस डेयरी में और उनकी डेयरी में जो हमने देखा है वो पशुओं की देखभाल का देखा है। पशुओं की देखभाल वहाँ अच्छी तरह नहीं हो पाती, इस वजह से पशु जल्दी दूध प्रोडक्शन देने में फेल हो जाते हैं। हमारे यहाँ हम पशुओं की अच्छी तरह से देखभाल कर रहे हैं। हमारे जो काम करने वाले लोग हैं वो सब अनुभवी लोग हैं, पशुओं के बारे में जानकारी रखते हैं। समय समय पर कौन कौन सी चीज़ पशुओं को चाहिए वो हम देते हैं, जिससे हमको लगता है कि हमारी डेयरी अभी श्रेष्ठ है औरों की अपेक्षा। और दूध में कई लोग मिलावट भी कर देते हैं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, बिल्कुल आँखों के सामने दूध निकलता है और उसी को हम सप्लाई करते हैं। हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी उसमें किसी तरह की कालाबाजारी करना नहीं। सुबह 4 बजे से दिनचर्या शुरू होती है, 4 बजे हम घर से यहाँ आ जाते हैं। सारे कर्मचारी यहाँ पे 4 बजे पहुँच जाते हैं। पहुँचने के बाद भैंसों के नीचे से गोबर वगैरह को हटाना, उनने जो मूत्र वगैरह किया है उसको साफ करना और बिल्कुल क्लीन व सफाई करने के बाद बर्तनों को बिल्कुल साफ करके और थनों को बिल्कुल धो के उसके बाद हम दूध निकालते हैं। दूध निकालने के बाद साफ बर्तनों में पैक करते हैं। डिब्बे वगैरहों को सर्फ एक्सेल से बिल्कुल साफ करके, क्लीन करके, सुखा के फिर दूध को उसमें भरते हैं। दूध को छान के भरते हैं ताकि उसमें कोई चीज़ गिर भी जाए, बाल वगैरह भैंसों के, तो वो निकल जाए उसमें। उसके बाद फिर हम इनके लिए सांदी वगैरह, जो चारा वगैरह, बांट वगैरह इनका बनाते हैं, वो फिर इनका बना देते हैं। चारा बनाने खिलाने के बाद इनको फिर हम पानी पिलाते हैं 9-10 बजे करीब। 9-10 बजे जब इनको पानी पिलाते हैं उसी समय इनको नहलाते हैं, साबुन से, शैम्पू से, ब्रश से रगड़ के इनको नहला के, इनको तिल्ली का तेल की मालिश करके, सींगों के तेल वगैरह लगा के फिर इनको 2-3 घंटे के लिए हम छोड़ देते हैं। उसमें ये अपनी बागोल वगैरह करती है और फिर आराम से बैठी रहती है। फिर दिन में 2 बजे करीब इनको हम हरी चीज़ जैसे काचनी है, बर्छी है, रंजका है, उसकी कुट्टी करके और फिर इनको डालते हैं। 2 बजे ये फिर चारा चरती हैं। चारा चरने के बाद फिर इनका जो गोबर वगैरह जो ये करती हैं उनको सबको साफ करके 4 बजे शाम को फिर हम दूध निकालते। रात को 8 बजे करीब इनको पानी पिलाते हैं। उसी समय इनके लिए गुड़, बाजरा, चना वगैरह का जो भी बांट वगैरह है उसमें कैल्शियम, मिनरल्स जो भी डालना है समय समय पे वो सब डाल के इनको खिलाने के बाद पूरा दिन, एक दिन पूरा हो जाता है। सब आते हैं यहाँ, सब लोग कहते हैं कि आप इसको बड़े
कम से कम 1-2 हेक्टेयर जमीन में इसको आप स्थापित करो, वहाँ पे आप चिलिंग प्लांट वगैरह लगाओ, इसको प्रोसेसिंग प्लांट लगा के और इस चीज़ को आगे बढ़ाओ, आपको सफलता मिलेगी, ऐसा बहुत से सलाह देते हैं। जानवरों को हरे चारे की जो भी इनको मिनरल्स वगैरह चाहिए, जिस तरह का भी इनको समय समय पर जो चीज़ें चाहिए, आयरन वगैरह की पौष्टिक आहार जो भी है, इनको सारा समय समय पर देते हैं। यहाँ पे गिरी नस्ल की गाय है जो गुजरात में पाई जाती है, और मुर्रा नस्ल की भैंस। ये 8-10 आदमी जो यहाँ के हैं लोकल, जो उनको यहाँ रोज़गार भी मिल रहा है, वो सुबह शाम समय समय पर यहाँ आते हैं, अपना रोज़गार करते हैं और अपना वेतन लेते हैं। पशु चिकित्सक हर 7 दिन में यहाँ आते हैं और यहाँ की सारी मेडिकल जाँचें हैं, इनका फीवर है, इनको जिस तरह की भी इनको कब्ज अगर है, इनको दस्त लग रहे हैं, सब तरह के ट्रीटमेंट इनके देख के जाते हैं और वो समय समय पर उपलब्ध कराते हैं। इन्फेक्शन अगर हम डेयरी में गंदगी रखेंगे, डेयरी में सही तरह की सफाई नहीं रखेंगे, तो फिर इन्फेक्शन होने का डर रहता है। हम समय समय पर सफाई करते हैं, हर रोज़ सफाई करते हैं, और बल्कि बीच बीच में हफ्ते में फिनाइल से और इस तरह इनकी धुलाई भी करते हैं। भैंसों को रोज़ नहलाते हैं, इनके जो कीट वगैरह लग जाते हैं, जुआ वगैरह, उनको मारने की सारी मेडिसिन प्रयोग में लेते हैं। राजस्थान भी गुजरात, पंजाब, हरियाणा की तरह अच्छा प्रदेश है जानवरों के लिए, उनको इस तरह का डेयरी उपकरण लगा के और अच्छे नस्ल के पशुओं को पालन करके दुग्ध उत्पादन बढ़ाना चाहिए, जिससे हमारा देश आत्मनिर्भर बने। दूध अगर खरीदना हो तो हमारे मोबाइल नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, होम डिलीवरी देते हैं।